नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो अलग अलग वीडियो चल रहे हैं, ये दो अलग अलग वीडियो आप देख सकते हो। एक वीडियो में नालासोपारा विधायक क्षितिज ठाकुर एक नए बने निजी अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं दूसरा वीडियो जो है वह नालासोपारा शिवसेना द्वारा वसई विरार अंतर्गत सुसज्जित सरकारी अस्पताल नहीं होने को लेकर किए गए आंदोलन का वीडियो है। तो दोस्तों, पिछले 30 सालों से वसई विरार अंतर्गत बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता है, और आज अभी वसई विरार महानगर पालिका में पिछले 2.5 साल से प्रशासक राज है, लेकिन उसके बावजूद भी, प्रशासक राज होने के बावजूद भी ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है कि आज भी वर्चस्व बहुजन विकास अघाड़ी का ही है, और महानगर पालिका का एक भी पत्ता बहुजन विकास अघाड़ी के बगैर नहीं हिलता है। उसके बावजूद वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत सरकारी अस्पताल नहीं बनाया जा रहा, तो वहीं लगातार प्राइवेट अस्पताल एक के बाद एक खुलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही चीज राजनीतिक गलियारों में लोगों को आक्रोशित करती है। जिन विधायक का काम है कि सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम की चीजों का उद्घाटन करे, वो विधायक सार्वजनिक उपक्रम की चीजों का विधायक उद्घाटन करने के बजाय निजी चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। निजी चीजों का उद्घाटन, निजी जगह का उद्घाटन करें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहां की जनता की ऐसी मांग है कि पिछले कई सालों से यहां एक अदद सुसज्जित अस्पताल नहीं है, और पिछले कुछ सालों पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी कि हाँ, अस्पताल सुसज्जित अस्पताल बनाएंगे, और वह अस्पताल सरकार सिर्फ अनुदान देगी, अस्पताल बनाना है वसई विरार महानगर पालिका को। वसई विरार महानगर पालिका की कार्य पद्धति हम सभी जानते हैं। वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय को आज बनते बनते कई साल हो चुके हैं, जिसमें भी मुख्यालय का निर्माण तो गायब ही हो गया है। जो मुख्यालय इस समय बन रहा है वो परिवहन भवन में मुख्यालय बनाया जा रहा है, जिस मुख्यालय का भूमि पूजन किया गया था उस जगह पे आज भूमि पूजन का बोर्ड तक नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका ये कहती है कि हमने कोविड में कई कोविड सेंटर बनाए थे, अब उनको रेगुलर अस्पताल में हमने संचालित कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि वसई विरार महानगर पालिका का यह दावा भी पूरी तरह से झूठा नहीं है, तो पूरी तरह से सच भी नहीं है, आधा सच है। जो जो अस्पताल वसई विरार महानगर पालिका ने कोविड के समय में बनाए थे उन अस्पतालों को रेगुलर जरूर किया है, लेकिन वहां पर बड़ी दुर्घटना होने पर, बड़ा किसी ऐसी बड़े इलाज की आवश्यकता होने पर उस पेशेंट को वहां पर जगह नहीं दी जाती है, उसको रेफर किया जाता है मुंबई, जिसमें कई चीजें हैं, जैसे कि बर्निंग यूनिट की बात करें, बर्निंग यूनिट वसई विरार में कहीं पे भी नहीं है। वसई विरार में ब्लड बैंक था वो भी बंद है, बाकी के अस्पतालों में एक्सरे और सोनोग्राफी तक बराबर नहीं है, यानी कि तकनीकी रूप से कई खामियां हैं। और सबसे बड़ी खामी तो स्टाफ, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो तो बहुत सबसे बड़ी खामी है। तो यही चीज वसई विरार महानगर पालिका इसी बिंदु पर, वसई विरार महानगर पालिका की इसी खामी पर शिवसेना आक्रोशित हो गई, और शिवसेना ने एक मोर्चा निकाला। तो वीडियो में आप आगे देखें इस मोर्चे की झलकियां। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। Hitler's evil under night! Hold it!
झालत पाहिजे, झालत पाहिजे, झालत पाहिजे, झालत पाहिजे, झालत पाहिजे, लोकप्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, झालत पाहिजे, झालत पाहिजे, झालत पाहिजे, ब्रांच अधिकारी, ब्रांच अधिकारी, लोकप्रतिनिधी. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.